हे गाइज व्हाट्सअप व्हाट्सअप दिस इज सूर्य कॉन्सिंग एंड वेलकम टू माई चैनल सो गाइज टूडे इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट फाइव बॉडी बिल्डिंग मिस्टेक्स मेड बाई टीन्स सो गाइज मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूँ कि बॉडी बिल्डिंग है क्या क्योंकि कुछ लोग ना बॉडी बिल्डिंग मतलब जिम कंपटीशन खेलना बड़े बड़े मसल उगाना उस सिर्फ इस चीज़ को बॉडी बिल्डिंग समझते हैं तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ इफ़ यू आर बिल्डिंग योर बॉडी वेदर बाई वेट ट्रेनिंग और बाई बॉडी वेट ट्रेनिंग इट्स ऑल बॉडी बिल्डिंग सो द फर्स्ट मिस्टेक इज यू डोंट स्टार्ट अर्ली आप ना सोचते रहते हो कि आज नहीं यार इस साल नहीं अगले साल से करूँगा अभी तो उम्र भी नहीं हुई है तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप लोगों को कि इफ़ यू आर फोर्टीन थर्टीन डजन मैटर जस्ट स्टार्ट जस्ट स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी टूडे इट्स सेल्फ अभी जाओ आप वीडियो देख के ठीक है अगर आपके पास वक्त है तो अभी आप जाओ वेदर आप जिम करते हो आप कैलिस्थेनिक्स करते हो बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो मत सोचो जस्ट गो फॉर इट अगर आप मुझसे पूछोगे कि वट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट बिल्डिंग योर बॉडी अगर आप तेरह साल के हो तो स्टार्ट कर दो क्योंकि तेरह साल की उम्र में आपका जो एडोलोसेंट है टीनेजर का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो तेरह साल की उम्र में आपकी जो मर्दानगी है वो ना दिखना शुरू हो जाता है तेरह साल की उम्र में टेस्टास्टोन रिलीज होने लगता है एंड टेस्टास्टोन को बाथरूम में बहाने की जगह हमें उसे मसल बिल्डिंग में लगाना पड़ेगा आप समझ रहे हो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि तेरह साल चौदह साल इज़ अ राइट एज टू स्टार्ट योर बॉडी बिल्डिंग ओके गाइस हाँ चलो अब आपको एक छोटी सी बात मैं अपने बारे में ही बताता हूँ देखो मुझे देख के लगता होगा कि मैं हर दिन दो घंटे एंड पूरा इंटेंस वर्कआउट करता हूँ है ना नहीं <laughs> मैं आपको बोलूँगा ना आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं कभी भी आज तक छः दिन कंटिन्यू ट्रेनिंग नहीं किया है मुझे पता था आपको बिलीव नहीं होगा पर ये सच है मैं पता है कितना दिन ट्रेनिंग करता हूँ वीक में कभी तीन दिन कभी चार दिन पाँच दिन मैक्स मैंने किया होगा ट्रेनिंग वीक में ऐसा है मेरा फंडा लेकिन फिर भी मेरी बॉडी है मेरे पास सिक्स पैक एब्स हैं ऐसी मेरी बॉडी है ठीक है मुझे पता है बहुत अच्छी बॉडी नहीं है बट जो भी है यार मैं पहले बहुत ज़्यादा स्किन था एंड उसके बाद मैंने इतना कुछ गेन किया है तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है है ना अगर आप जानना चाहते हो कि सबसे तेजी से मसल बिल्डिंग किस चीज़ से होता है तो मैं आपको बता दूं वो है वेट ट्रेनिंग आप जिम जा सकते हो या फिर घर पे ही कोई भी वेट है तो घर घर का वेट से ही आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो है ना अगर आप नॉर्मल फिट रहना चाहते हो एकदम बॉडी एकदम स्लिम एंड फिट तो आप बॉडी वेट ट्रेनिंग से भी रख सकते हो आपको मस्कुलर होना है बहुत तो वेट ट्रेनिंग पे आपको जाना ही पड़ेगा मेरा क्या फंडा है पता है मैं वीक में दो बार वेट ट्रेनिंग एंड दो बार बॉडी वेट ट्रेनिंग कभी कभी कैलिस्थेनिक्स में मैं चेंज कर करके करते रहता हूँ क्योंकि सिर्फ वेट ट्रेनिंग मुझसे नहीं होने वाला एंड आपको वही लोग ये एडवाइस देंगे कि भाई जिम अभी स्टार्ट मत कर छोटा हो जाएगा हाइट वाइट वगैरह वगैरह उनके कभी ऐसे डोले नहीं दिखेंगे आपको समझे उनके ऐसे एब्स नहीं दिखेंगे उनके ऐसे चेस्ट नहीं दिखेंगे आपको नहीं दिखेंगे मैं गारंटी देता हूँ देखो आप खुद सोचो कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो किसी चीज़ का वो हड्डी का ग्रोथ कैसे रुक सकता है आप सोचो खुद आप तो फिटनेस ट्रेनिंग कर रहे हो भाई आपका एब्स कैसे हाइट रोक सकता है आपका वेट लिफ्ट कर रहे हो तो कैसे हाइट रुकेगा आपका आप खुद सोचो एक बार ठीक है तो हाइट नहीं रुक सकता इट्स कंप्लीटली ऑन योर जिनेटिक्स चलो गाइस अब तो आपने स्टार्ट कर दिया अपना बॉडी बिल्डिंग भाई अब दूसरा चीज़ जो मिस्टेक हो जाता है वो है न्यूट्रिशन का आप केयर नहीं कर पाते ये मैंने भी किया है क्योंकि मैं क्या करता था ना दो साल पहले थी मैंने वर्कआउट कर लिया उसके दो दो तीन तीन घंटे कुछ नहीं खाता था मैं कुछ भी नहीं और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्किनी था गाइस ठीक है आप देख सकते हो मेरा फोटो तीन साल पहले तो का कैसा था मैं एंड अभी देखो कैसा हूँ पहले से तो काफ़ी सुधार आया ना गाइस है ना आई नो आई हैव टू गेन मोर मसल्स कुछ लोग पूछते हैं कि पोस्ट वर्कआउट मील कब तक लेना चाहिए तो मैं बता दूं आप एक घंटे के अंदर भी ले रहे हो तो अच्छी बात है एंड अगर आप वर्कआउट के जस्ट बाद ले रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है सेकेंड चीज़ प्री वर्कआउट मील जो है वह उस चीज़ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्री वर्कआउट में आप क्या ले सकते हो अंडे ले सकते हो केले ले सकते हो ब्राउन ब्रेड और उसके साथ पीनट बटर खा सकते हो यही सारी चीजें आप अपने प्री वर्कआउट में ले सकते हो ये कुछ फूड है गाइस मैंने आप लोगों के लिए बनाया जिनका बजट एकदम ही लो है इस चीज़ को स्क्रीन शॉट लेके अपने घर में ये सारी चीज़ें खरीद के रख सकते हैं खाओ आप ये सारे हाई प्रोटीन डाइट है ओके अभी तक ये वीडियो देख रहे हो ना तो एक लाइक बनता है भाई मार दो एक लाइक मार ही दो चलो भाई अब आपने अपना न्यूट्रिशन का भी केयर करना शुरू कर दिया अच्छी अच्छी डाइट लेने लगे आप सही है अब जो आपका गलती होता है यू डोंट टेक एनफ रेस्ट आ, कभी कभी मेरे को जागना पड़ता है रात में तो मैं देख लेता हूँ कि बारह बजे मुझे रात के मैसेज आता है साढ़े बारह बजे मुझे मैसेज आता है कि भाई मेरा बॉडी नहीं बढ़ रहा अब मैं बता दूं आपको अगर आप रात में सोगे नहीं तो सच बोल रहा हूं आपका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा यार बहुत ज़्यादा स्लो रात की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक साल के अंदर एक अच्छा रिज़ल्ट चाहिए ना तो ये रेस्ट लेना ही पड़ेगा आपको अब क्यों सो रात के टाइम पे बॉडी जो है बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जब आपका बॉडी सो रहा होता है तो वो उस टाइम में बॉडी का रिकवरी चल रहा होता है जो मसल टोन होते हैं वो सब रिकवर हो रहे होते हैं उस टाइम में भी अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे तो बॉडी ढंग से कैसे काम करेगा आप खुद सोचो सात घंटे साढ़े सात घंटे अगर आप सो सकते हो रात के कंटिन्यू तो बहुत अच्छी बात है सो so, अब आप इन सब बातों से भी नहीं मान रहे हो ठीक है मत मानो अब आपको मैं एक रिसर्च का एग्जांपल देता हूँ क्या होता है एक बंदे को अच्छे से ट्रेनिंग करवाया जाता है पर उसको रात में ढंग से सोने नहीं दिया जाता पता है क्या होता है उसका जो मसल बिल्डिंग का जो रिज़ल्ट है वो सिक्सटी परसेंट लेस होता है फिर उसी बंदे को सेम तरीके से ट्रेनिंग करवा के रात को आठ घंटे साढ़े सात घंटे बढ़िया से उसको सोने दिया जाता है एंड उसका रिज़ल्ट क्या होता है पता है उसका जो मसल ग्रोथ है वो फोटी परसेंट ज़्यादा तेज़ी से होता है ये असली रिसर्च है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि रात का नींद कंटिन्यू नींद जरूरी है अगर आप आठ घंटे सो सकते हो ना रात में तो बहुत अच्छी बात है सात घंटे सो सकते हो तो बहुत अच्छी बात है उससे कम ट्राई करो कि ना सो मैं एक लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ साढ़े छः घंटा से कम मत सोना प्लीज़ अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं खुद सात घंटे सोता हूँ अब ये सब सुन के अब आप अपना जो रेस्ट का जो चीज़ है वो भी ठीक कर लिए अब क्या आ जाता है ना कुछ जो टीन्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा जोश होता है जो जो सालों से जिम कर रहे होते हैं वो उठाते हैं 200 सौ के जी तीन सौ के जी डेड लिफ्ट एंड उस ईगो के चक्कर में जो बिगिनर्स जो टीन्स होते हैं वो भी सोचते हैं मैं भी उठा लूँ उठाने तो जाते हैं उठता भी है एंड उठते उठते कोई उनका पोस्टर नहीं होता सब कुछ मतलब गधे की तरह बस बस मतलब मेरे को उठाना है तो उठाना है मैं करेक्ट फॉर्म में उठाऊं इससे मतलब नहीं उनको उनको बस उस चीज़ को उठाना चाहे वो पीठ को टेढ़ा करके उठाएँ चाहे वो पीठ को ऐसे करके उठाएँ तो क्या होता है ना इसका रिजल्ट उनका जो बैकबोन है उसमें क्रैक आ जाता है उनका जो नस है वो चढ़ जाता है उनका उनका लिगामेंट टूट जाता है एंड इन सब के वजह से बॉडी बिल्डिंग कभी कभी ज़्यादा बदनाम भी हो जाता है मैं हूँ छपरी और मैं आज पहले ही दिन सौ के जी का बेंच प्रेस लगाऊंगा देख आ, आ, आज तो मैं फोड़ फोड़ गई। प्लीज ये सब जो ईगो लिफ्टिंग है वो प्लीज मत क्या करो भाई प्लीज पहले पता है क्या करो पहले कम वेट के साथ जितना आप मॉडरेट लगता है इतना तो मैं आराम से उठा सकता हूँ तो उससे थोड़ा सा ज्यादा वेट लेके उसका उस एक्सरसाइज का करेक्ट फॉर्म सीखो जो लिफ्टिंग है उसमें आप पाँच दस के जी उसके बाद इंक्रीज कर सकते हो चलो अब आपने यू लिफ्टिंग भी बंद कर दिया आप एकदम जितना वेट आपके लिए परफेक्ट है उसी से आप मार रहे हो तो अब जो फिफ्थ मिस्टेक मैं बता रहा हूँ ना ये बहुत सारे टीन्स करते होंगे इसलिए भी शायद हो सकता है कि आपका जो मसल बिल्डिंग है वो नहीं हो रहा है फिफ्थ मिस्टेक है मैस्टरवेशन मैस्टरवेशन करना मैं बुरी चीज़ तो बोलूँगा है भी ये बुरी चीज़ ठीक है लेकिन क्या करोगे सब करते ही है है ना देखो इस मैंस्टिवेशन के बारे में मैं सिर्फ दो चीज़ बोलने वाला हूँ कि वर्कआउट से पहले प्लीज़ मत करना एंड वर्कआउट के बाद मत करना इससे आपके गेन्स पे इफेक्ट पड़ेंगे अगर आप वर्कआउट से पहले करके जाओगे ठीक है मन नहीं लगेगा वर्कआउट में बॉडी पूरा लूज रहेगा नींद आएगा आपको ब्लैकआउट होगा वो ख़ुद फ़ील होगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहा हूँ बहुत डिजी फील कर रहा हूँ वर्कआउट करने में मन नहीं लग रहा मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल वर्कआउट करने में वो बहुत डिमोटिवेट फ़ील करवाएगा आपको ठीक है ना तो प्लीज़ वर्कआउट से पहले मत करना एंड वर्कआउट के बाद भी मत करना क्योंकि ये जो मैस्टिवेशन है बॉडी को पूरा हो एकदम स्लिपी बना देता है एकदम रेस्ट पे चला जाता है नहीं लगता है मैस्टिवेशन करके नींद आता होगा शायद आप लोगों को है ना एंड रही बात मेरी तो अब सब करते हैं तो मैं क्या बोलूँगा आप लोगों को है ना हरामी हो वही कंट्रोल भैया कंट्रोल कीजिए बिफोर वॉचिंग द वीडियो कंट्रोल बालक कंट्रोल करो ठीक है धीरे धीरे कम करो वीक में एक बार करो फिर दो वीक में एक बार करो फिर महीने में एक बार उसके बाद पता है धीरे धीरे जब नहीं करोगे ना तो लगेगा अब तो नहीं किया भाई अब तो करूँगा भी नहीं अब बस कुछ भी हो जाए हम्म कुछ भी हो जाए नहीं करूँगा मैं कोई हब नहीं चलाऊंगा मैं <laughs> तो यही सारे मिस्टेक्स थे गाइस जो जो टीन्स करते हैं मेरे एक्सपीरियंस है ये सब में इसलिए मैंने आप लोगों को बताया ये सब जो मेरी गलती थी इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक का वो होगा एक हज़ार लाइक एक महीने से दो महीने के बीच में कर दो ना इतना इतने तो कर ही सकते हो अब इतना नॉलेज दे रहा हूँ आपको कर दो ना वो कर दो चलो अरे लाइक करने में क्या जाता है कर दो ना थैंक यू गाइज़ आई नीड योर सपोर्ट सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बेल आइकन दबा लेना कि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो आप लोगों का साथ साथ चाहिए आप लोग लाइक करोगे वीडियो कमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे है ना मोटिवेटेड फील करता हूँ यार कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है मेरे बातों से मेरे वीडियोज से तो बहुत अच्छा लगता है तो शेयर कर दो ना गाइज़ बाय सब्सक्राइब टू द चैनल कमेंट